हम आज अध्याय 8 किसान जमींदार और राज्य के प्रश्न उत्तर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने इसके बारे में आपको समझा चुके हैं और इसका जो है वो हमने आपको भेज चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कृषि इतिहास लिखने के लिए आयन के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने की कौन सी समस्याएं इतिहासकार इन समस्याओं से कैसे निपटते थे। अब यहाँ पर आयन ने कृषि के इतिहास के संदर्भ में संख्यात्मक आंकड़ों की दृष्टि से ये विषमताएं जो है संख्यात्मक आंकड़े इसकी दृष्टि से इन्हें विषमताएं पाई हैं, जिसके मुताबिक हम देखेंगे कि इसमें जो कई सूबों के लिए जमींदारों की जो जाति थी उसके मुताबिक विस्तृत सूचनाएं संकलित की गई थी। फिर इसी तरह से सूबों के लिए भी राजकोषीय आंकड़े भी बड़ी उसमें थे, राजकोषीय आंकड़े बड़ी तफसीस में दिए गए थे, जिसको कि इनके इलाकों में कीमतों की मजदूरी जैसे इन्हें महत्वपूर्ण मापदंड के लिए अच्छे से दर्ज किए गए थे। फिर उन्हीं में हम देखेंगे कि किसानों में जो थे और मजदूरी की दरों में थी कीमतों और जो दरें थी वह विस्तृत सूची जो आयन ने दी है उसमें साम्राज्य की राजधानी आगरा और इसके इर्द गिर्द इलाकों में उनसे ली गई है। फिर हम देखेंगे 16वीं और 17वीं सदी के कृषि उत्पादन के लिए किस हद तक इसमें गुजारने के लिए खेती जो कह गए थे उसमें उत्तर के लिए क्या किए। फिर 16वीं 17वीं शताब्दी में जो दिए गए थे है ना दैनिक आहार की जो खेतियां थी उसमें ज्यादा जोर दिया गया। अब दैनिक आहार में कैसे जो हमको रोजमर्रा की चीजें जो होती हैं जिसका हम उपयोग करते हैं तो उसके लिए हमने ये किया। फिर उसमें देखेंगे कि इसका मतलब यह नहीं था कि उस काल में खेती केवल गुजारा करने के लिए की जाती थी, मतलब सिर्फ गुजारा के लिए खेती नहीं की जाती थी, उसके लिए पेट भरने के लिए भी खेती की जाती थी। फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे इसमें जो भी तबलीगी जो मिला इसमें उस जो तत्कालीन स्रोतों से जो जिनसे कीमत अर्थात सर्वोत्तम फसलें जैसे जो फसल मिलते हैं उनके बारे में बताया। फिर यहाँ पर देखेंगे कि चीन जैसे चीनी तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों के अंतर्गत ये आती थी क्योंकि इसको हम व्यापार के रूप में इसका उपयोग करते थे। देखेंगे कृषि उत्पादन महिला की भूमिका का विवरण दीजिए। फिर इसमें देखेंगे 16वीं 17वीं शताब्दी के दौरान में मुगल साम्राज्य के अंदर कृषि साम्राज्य की महिलाओं की भूमिका स्पष्ट है। इसमें उस समय जो मध्यकालीन भारतीय कृषि और समाज के उत्पादन के लिए जो उस समय मुगल साम्राज्य जो कृषि जो महिलाओं की जो भूमिका थी, क्योंकि महिलाएं जो थी वह घर का कार्य तो करती ही थी, साथ ही साथ वे घर के कार्य करने के बाद वे खेतिहार और किसानी कार्य करने के लिए भी वे महिलाएं वहां पर उपलब्ध रहती थी। तो महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी क्योंकि पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर वे कार्य करती थी और खेती के काम किया करती थी। तो पुरुष जो थे खेती की जुताई और इसे बताने के लिए जो काम करते थे उसमें जैसे बुवाई हो जाती थी, निदाई हो जाती थी, कटाई हो जाती थी, इस समय महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। उसी तरह से हम देखेंगे महिलाओं और पुरुषों के कार्य के क्षेत्र में एक विभाजन रेखा खींचना अर्थात घर के लिए महिला और बाहर के लिए पुरुष। तो इस तरह से उत्पादन के पहलू जैसे सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी साफ करना, उसे गूंथना, कपड़ों पर कढ़ाई करना आदि मुख्य रूप से महिलाओं के ये श्रम पर ही आधारित होते थे, क्योंकि महिलाएं ये सारे कार्य जो हैं बड़े आसानी से कर लेते थे, वे घर का भी करते थे साथ ही साथ वे वहां पर भी उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस तरह से हम देखेंगे किंतु बार बार बच्चों को जन्म देने के कारण प्रसव के समय उनकी मृत्यु होने के कारण भी मृत्यु की दर जो थी वह ऊंची हो गई थी यहाँ पर, क्योंकि बच्चों को जन्म देती है महिलाएं उसके बाद मृत्यु दर भी ऊंची
इस तरह से यहाँ पर महिलाओं में जो भूमिहर भद्रजन होते थे, जमींदार परिवार महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति जो अधिकार प्रदान उनको की जाती थी। लेकिन समकालीन स्त्रोत में उदाहरण से स्पष्ट होता है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम महिलाओं को उत्तराधिकारी जिम्मेदारियाँ प्राप्त की थी। फिर देखेंगे उदाहरण के लिए, हम देखेंगे 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक विशाल और प्रसिद्ध जमींदारी के कार्य कर्ता धर्ता एक महिला थी, किंतु हमें याद रखना होगा कि उस समय महिलाओं की जैव वैज्ञानिक और संबंधित पूर्वाग्रह भी विद्यमान। उदाहरण में पश्चिमी भारत में रजस्वला दी गई है। फिर देखेंगे विचाराधीन काल मौद्रिक कारोबार की अहमियत विवेचना क्या है। अब यहाँ पर देखेंगे कृषि अर्थव्यवस्था जो मौद्रीकरण के उल्लेखनीय विस्तार हुआ था, जिसमें कि वस्तु विनिमय पर आधारित अर्थव्यवस्था का स्थान मुद्रा अर्थव्यवस्था ने ले लिया था, और मुगल सम्राटों वित्तीय आर्थिक नीति, वहाँ पर मुगल सम्राट जो थे वित्तीय और आर्थिक नीतियों के कारण साम्राज्य में मुद्रा का संचरण जो था वह बढ़ने लगा था। इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह से सुविधाएं भी जो भारतीय अर्थव्यवस्था मौद्रिक कारोबार महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। उसके साथ साथ इस काल में सेवाओं के बदले नगद भुगतान के भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं, और उसी तरह से सेवाओं के बदले रोज का भत्ता तय रखने के लिए भी नकदी देते थे, जिससे कि ग्रामों और शहरों के मध्य होने वाले व्यापार परिणाम स्वरूप ग्रामीण जो कारोबार थे वह मौद्रीकरण को महत्व को बढ़ने लगा था, जिससे कि किसान सुविधा और इच्छा अनुसार अनाज और नगद रूप में भू राजस्व, क्या था, इच्छा अनुसार अनाज नगद भू राजस्व का भुगतान वे कर सकते थे। इस तरह से इसको अच्छी तरह से समझना कि भू राजस्व प्राप्त करना एक अच्छी। फिर निर्यात के लिए उत्पादन करने में दस्तकारों की भी उनकी मजदूरों का भुगतान तथा अग्रिम भुगतान नगद रूप में ही किया जाता था। वहां पर क्या किया जाता था, नगद रूप में ही भुगतान किया जाता था। उसी तरह से कपास, रेशम, नील जैसी फसलें भी वहां पर पैदा होती थी, जिसको की करने वाले को उनके भुगतान भी नकदी के रूप में ही प्राप्त होता था। फिर याद है कि किसान जो है वे अपनी फसल बेचकर नकदी प्राप्त कर लेते थे। किसान जो थे वे फसल को बेचकर क्या करते थे, नकदी प्राप्त कर लेते थे, और साथ ही साथ उनको अच्छी कीमत भी मिलती थी, जिससे उनको क्या होती थी, अच्छी कीमत भी मिलती थी। इस तरह से बाजार के विशाल मात्रा में चांदी का आना भी भारत के लिए वरदान सिद्ध हुआ था, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप भारत के काल में जो है धातु मुद्रा जो है वह विशेष रूप से चांदी के रूप में उपलब्धि स्थिरता बनी, और उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचरण को भी बढ़ावा मिला, जिससे कि सिक्के की ढलाई करना, कार्य विस्तार करना, और साथ ही साथ दूसरे रूप में राजस्व को नगद रूप में प्राप्त करना था। फिर देखेंगे कि उन सबूतों की जांच कीजिए जिससे मुगल राजकोषीय व्यवस्था के लिए भू राजस्व बहुत महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, शरीर का मेरुदंड होता है, क्योंकि साम्राज्य जो है वित्त क्या है, साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण मेरुदंड होता है। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वित्त अगर नहीं होगा तो हम राज्य का विकास नहीं कर सकते, उसका विस्तार नहीं कर सकते, हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते, उसका संचालन नहीं कर सकते, इसलिए वित्त आवश्यक होता है। उसी तरह से उपहार, उत्तराधिकार कई ऐसे थे जो संपत्ति जो व्यापारिक अधिकार राज्य द्वारा चलाए जाने के उद्योग विभिन्न प्रकार के राज्य की व्यवस्था की गई थी। अब इन सब के देखरेख के लिए दीवान तथा वित्त मंत्री को संपूर्ण राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख के लिए उत्तरदायी था। यहाँ कौन वो था, दीवान और वित्त मंत्री जो होते थे संपूर्ण राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख के लिए उत्तरदायी होता था। और साथ ही साथ ये तंत्र जो सम्मिलित था वह विशेष रूप से राजस्व विभाग की उसी के नियंत्रण में था, और वह पूरे आय व्यय का हिसाब रखने के लिए उत्तराधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को कृषि जगत में उसको प्रवेश मतलब प्रदेश दिया गया था, जिससे कृषि संबंधी निर्धारण है निर्णायक शक्ति बन जाए, और साथ ही साथ वह कर निर्धारण, वास्तविक वसूली, भू राजस्व, इस प्रकार से ये दो चरण थे। इसमें क्या था, भू राजस्व और इस प्रकार हिसाब रखने वाले अधिकारी भी थे, इस तरह से ये था। फिर देखेंगे इस प्रणाली के इतिहास में दहशाला प्रबंध आयन की जो है दहशाला जब्ती प्रणाली, इसमें चोरदमल के भू राजस्व, ये सारी चीजें जो है उसमें देखने को मिलती हैं। फिर साथ में देखेंगे गल्ला बख्शी प्रणाली दो, इसमें नक्स और कानूनन प्रणाली जो दहशाला व्यवस्था थी वह 1580 ईस्वी में साम्राज्य के 8 महत्वपूर्ण प्रांत
दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, मालवा, अजमेर, लाहौर और मुल्तान जैसे प्रचलित थी। फिर दसालह व्यवस्था में मुख्य विशेषताएं कुछ ये थी, जैसे गज किस तरह से वे करना, वैसे गज की कार्रवाई की गई, भूमि का वर्गीकरण किया गया, साथ ही साथ भूमि में पोलज और ये वर्गीकरण जो हुआ था, भूमि का वर्गीकरण इस तरह से ये हुआ था। 2-3 वर्ष तक निरंतर खेती करने के उपरांत उसमें 1-2 वर्ष के लिए क्या होता है, उसको परती, परती मतलब 1-2 साल के लिए, परती का मतलब ये है 1-2 साल के लिए उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था। उसी तरह से देखते थे बंजर भूमि जो होती थी, निम्न कोटि की भूमि होती थी, वहां भी राज्य का भाग निश्चित करना होता था, क्योंकि उसको भी पहले से ये बताया जा चुका होता था कर निर्धारण वास्तविक वसूली के आधार पर ही किया जाता था। फिर कर को जो है नगद रूप दर, कर जो होता था उसका नगद दर दस्तूर जो होता था वह परिवर्तित करने के लिए भी भिन्न भिन्न इलाकों में पिछले 10 वर्षों में औसत दरों के आधार पर सूचियां तैयार की गई थी। फिर यहाँ पर देखेंगे नष्ट और कम प्रणाली वाली मुगल साम्राज्य, कुछ भागों जैसे बंगाल, उड़ीसा, बराड़ नामक जो ये जो जगह है वहां पर इसका कनकूत नाम से इसको शामिल जो प्रणाली थी वह प्रचलित थी। फिर देखेंगे कृषि समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने में जाति किस हद तक एक कारक थी। तो 16वीं-17वीं शताब्दी में जब हम देख रहे थे तो ये कृषि प्रधान देश था, और साथ ही साथ इसमें 85% मतलब 85% ग्रामों में जनता जो है वह निवास करती थी, वह खेती करती थी, और 85% जनता जो है कृषि पर ही निर्भर थी। उस तरह से हम देखेंगे कि जब खेत जैसे जमीन की जुताई करना, बुवाई करना, उसको बोना, फिर काटना, उसमें ही वे व्यस्त रहते थे, और जिससे कृषि समाज में सामाजिक आर्थिक संबंधों के निर्धारण जाति की भूमिका के लिए कठोर व्यवस्था जाति व्यवस्था भी की गई थी। इसमें उच्च जाति के प्रति 3 निम्न जातियों को वह घृणा करते थे, इसी तरह से वह जातियां यहाँ पर निर्धारित की गई थी। फिर यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कई लोग थे जिस स्रोतों से जुताई का कार्य करना ऐसे लोगों को करवाया जाता था, जो सवर्ण हिंदू होते थे या निम्न समझे जाते थे उनसे दूसरे कार्य लिए जाते थे। उच्च जाति हिंदू शूद्रों से घृणा करते थे, यहाँ पर ये बताया गया कि उच्च जो जाति थे वह शूद्रों से घृणा करते थे लेकिन सामाजिक मेलजोल नहीं रखते थे। इस तरह से हिंदुओं में भी घनिष्ठ संपर्क में रहते रहते मुसलमानों में भी जाति भेदभाव का प्रसार होने लगा था, और साथ ही साथ उच्च जाति मुसलमानों में भी बस्तियों में रह सकते थे ना ही उनके साथ। इस तरह से जो निम्न जाति को समझे जाते थे उसको बस्तियों से बाहर रखा जाता था, जब काम होता तो भी आते थे और कार्य करके चले जाते थे। फिर यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकालीन भारत में जब समाज में जाति, गरीबी और सामाजिक स्तर के मध्य जो प्रत्यक्ष संबंध थे, उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत भिन्न भिन्न निम्न जातियों की संप्रदायों के प्रतिनिधित्व था, जिसमें छोटे मोटे नीच काम करने वाले मजदूरों के प्रति उनको ध्यान दिया जाना। फिर इस प्रकार से स्पष्ट है कृषि समाज में सामाजिक और आर्थिक संबंध निर्धारण मुख्य रूप से जाति द्वारा ही किया जाता था। फिर इसी प्रकार से आधुनिक उत्तर प्रदेश में वृंदावन क्षेत्र में रहने वाले गौरव समुदाय के लोग भी शताब्दियों की जमीन की जुताई का कार्य करते थे, किंतु 17वीं शताब्दी में राजपूत होने का विधावा करते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि सामाजिक स्तर पर ऊपर उठकर किसानों जैसी स्थिति को प्राप्त करने लगी थी, और साथ ही साथ ये मध्यम क्रम में आने वाली जातियों और सामाजिक स्तर की आर्थिक स्थिति भी उन्नति होने के साथ साथ उन्नत होने लगी थी।